हाँ यार, बस अभी तो फ्री हुआ हूँ। और अपना इनहेलर ले लेना, याद से खत्म हो गया है। हाँ बाबा याद है। मैं कितना हूँ? 127। बस यही जानने के लिए फोन कर रही थी, पर तुम फोन उठाओ तब ना। अरे यार, कब से वही तो कह रहा हूँ, नहीं देखा, फोन साइलेंट पर था और चार्जिंग पे लगा था। एक मिनट, मेरी कैब आ गई। OTP 654। और भाई ये AC बंद कर दीजिए, मुझे कैब की विंडो खोलनी है। थैंक्स। हाँ हेलो हेलो। अरे यार ये फिर से म्यूट हो गया। हेलो। क्या हेलो, म्यूट कर रखा था तुमने फोन? नहीं, वो गलती से हो गया था। किससे हो गया था? अरे गलती से हो गया था। आवाज़ नहीं आ रही है, पहले विंडो बंद करो। भाई AC चालू करना। हाँ बोलो। फोन क्यों म्यूट किया था? किसके साथ जा रहे हो तुम? क्या बोल रहे हो यार, किसके साथ जाऊंगा, अकेले ही जा रहा हूँ। क्यों, निशाने पार्टी मांगी थी ना, तो ले जाओ उसे घर, अच्छे से पार्टी दो ना उसे। यार कम ऑन, पार्टी तो सभी मांग रहे हैं ना ग्रुप में। तो तुम उसके पास गए थे पार्टी का डिस्कशन करने के लिए या ये बोलने के लिए कि ओ निशा तुम तो क्यूटनेस की दुकान हो, कौन सा फ्लेवर लोगी पिज्जा का? अरे यार वो मेरे डेस्क पर आई थी। अच्छा? हाँ, वो मुझसे बात कर रही थी, उसने कहा था कि उसे पार्टी चाहिए। 2 महीने पहले था तुम्हारा बर्थडे। हाँ तो वो बाहर थी ना, वो गोवा गई हुई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, और अभी अभी आई है, उसने कहा पार्टी चाहिए, पिज्जा खाने के लिए उसने बोला, तो मैंने पिज्जा मंगा दिया। वाह, जब मैं कहती हूँ बेबी पिज्जा खाएं क्या, तब तो कहते हो कि नहीं बेबी वेट कंट्रोल करना है, हमें फास्ट फूड अवॉइड करना चाहिए। और यहाँ उस निशा ने एक बार पूछा तो तुम उसके साथ पिज्जा तोड़ने बैठ गए, और फोटो में इतना चिपकने की क्या जरूरत थी? कौन मैं? पर सेल्फीज में तो लोग पास में रहते हैं ना। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ, उसकी बात कर रही हूँ। वो इतना चिपक क्यों रही थी तुमसे? क्या? मेरे सामने आ गई ना तो मुंह तोड़ दूंगी, कमीनी। कोई शरीफ लड़का देखा नहीं कि चिपकने लगती है? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है यार। ऐसी क्या बात है कि तुम उसकी वकालत कर रहे हो? उसका बॉयफ्रेंड है। So sad, फिर तो बुरा हुआ ना तुम्हारे साथ। तुम ये क्या फालतू बातें कर रही हो यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये सृष्टि कौन है? हाय डियर, गुड मॉर्निंग, क्या हो रहा है, कब फ्री हो बताना। क्या क्या कहा ये, तुम किसकी बात कर रही हो? सृष्टि त्यागी। अच्छा हाँ, वो तो मेरी कॉलेज फ्रेंड है, उसका मुंबई ब्रांच में ट्रांसफर हुआ है। अच्छा एक मिनट, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? हाँ मर्जीत भाई। सर आप फोन किए थे, हम 1605 की प्लम्बिंग कर रहे थे इसलिए फोन नहीं उठा पाए सर। अरे कोई बात नहीं भाई। अच्छा सुनिए, लॉक वो प्रॉब्लम कर रहा है फिर से। हाँ कल मैं बाथरूम गया और लॉक अपने आप से बाहर से लग गया। फिर तो एक खतरे वाली बात है सर। हाँ ये तो कहो कि वो मेरा कजिन मेरे साथ आया था तो उसने आके खोला, अगर मैं अकेले होता तो दिक्कत हो जाती ना। सर आपके सामने नया लगाया था मैंने। तो यार प्लीज आके उसे ठीक करो भाई, ऐसे कैसे चलेगा। सर रुकिए मैं कुछ करता हूँ, ठीक है? प्लीज अभी भेज सकते हो क्या किसी को आधे घंटे में? सर रात के 10:30 बज रहे हैं, अभी शॉप पे कोई लड़का नहीं है। अभी आप रुक जाओ, सुबह पक्का किसी को भेजता हूँ। ठीक है, लेकिन सुबह तक प्लीज 8-9 तक किसी को भेज देना। हाँ हाँ पक्का भेज दूंगा सर। ठीक है, और अभी बाथरूम में जाइएगा ना सर, तो लॉक मत कीजिएगा। ओके ओके ओके, थैंक्स यार, बाय सर। हाँ बाय। हेलो। इतनी देर के बाद किससे बात कर रहे थे इतनी देर से? प्लमर था, अमरजीत। झूठ मत बोलो ठीक है, मैं जानती हूँ तुम किसी और से बात कर रहे थे, तुम्हारे पास मुझे छोड़ के सबके लिए टाइम। स्क्रीनशॉट भेजूं क्या मैं आपको? उसकी जरूरत नहीं है, जस्ट टेल मी द ट्रूथ। प्लमर था यार। इतनी देर कौन बात करता है प्लमर? मैं बात करता हूँ। हाँ तो इतना भड़क क्यों रहे हो, अभी तक वो ठीक नहीं हुआ? नहीं अभी तक ठीक नहीं हुआ। ओफो, तो फिर उसे ठीक करवाओ ना। हाँ मैं ठीक करवा लूंगा। गुड, वरना जब निशा आएगी तो उसे कितना अजीब लगेगा ना, बाथरूम खुद से लॉक हो जाएगा तो बेचारी डर जाएगी। प्लीज यार ऐसे मत बोलो यार, ये तो क्या क्या, ये तो बहुत सफोकेशन हो रहा है और क्या। अच्छा तो तुम्हारा मतलब है हमारा रिलेशन सफोकेटिंग है? हाँ है सफोकेटिंग। तो मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, बाय। हद है यार, तुमने मुझे वापस कॉल बैक भी नहीं किया, मैं बस यही देख रही थी कि तुम मुझे कॉल करते हो या नहीं, एंड आई वाज राइट, तुम्हें तो कुछ पड़ी ही नहीं। तुमने ही तो कहा था ना तुम्हें बात नहीं करनी है। वाओ कितनी जल्दी मान ली ना मेरी ये बात, जैसे मेरी हर बात मान लेते हो। तुम तो खुशी हो गए होगे कि चलो अच्छा हुआ कुछ देर के लिए पीछा तो छूटा। आई एम सॉरी, मैं अभी बात नहीं कर पाऊंगा। बात नहीं कर पाओगे? हां क्योंकि मुझे सफोकेशन हो रहा है ना। अच्छा आई एम सॉरी, वो मैं बाद में बात करता हूं। हां चलो बाय।
मैं तब तक बात कर रहा हूँ, अब लिफ्ट आ गई है, ठीक है? लिफ्ट में वैसे भी आवाज़ नहीं आएगी, जब लिफ्ट के अंदर जाऊँगा तो आवाज़ नहीं आएगी। जानबूझकर नहीं देखा था, अब मेरे सामने पॉपअप हो गया तो क्या करूं बताओ। तुम्हें कितनी बार बताया कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, ऐसे तो मुझे लगता रहेगा कि तुम मेरे फोन के अंदर बैठी हो और मुझे स्टॉक कर रही हो। मेरी भी जिंदगी है यार, मुझे भी स्पेस चाहिए। हाँ तो कौन सा मैं तुम्हारा स्पेस खाए जा रही हूँ, पूरे दिन तो तुम ऑफिस में रहते हो तो वैसे ही बात नहीं करते हो। क्या मैंने शिकायत की है कभी इस बात की? तो क्या मैं मीटिंग के बीच में तुमसे बात करूँ? तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो यार? क्यों, कैसे बात कर रहा हूँ मैं? तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे मुझसे बात करके तुम कोई एहसान कर रहे हो। क्या? देखो मुझे ऑफिस आवर्स में बात करना पसंद नहीं है, बहाना करके लॉबी में आना पड़ता है और थोड़ी देर बात करके क्या मिल जाता है? सुकून, क्योंकि तुम्हें अपना ख्याल रखना नहीं आता, इसलिए मुझे जानना होता है कि तुमने खाना खाया या नहीं, दोस्तों के साथ सुट्टा मारने नीचे तो नहीं चले गए, क्योंकि वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं यार है। इतना ख्याल तो मैं अपना रख सकता हूं, बच्चा नहीं हूं मैं, प्लीज ऐसे ट्रीट मत करो। मुझे तुम्हारी परवाह है। इसे परवाह नहीं, सफोकेशन कहते हैं, पता है? अब मैं कभी बात नहीं करूंगी। हां प्लीज, मैं सच में नहीं करूंगी। थैंक यू। दिमाग खराब करके रख दिया। और अभी बाथरूम में जाइएगा ना सर, तो लॉक मत कीजिएगा। ओ शिट, शिट, शिट। अरे यार ये तो लॉक हो गया। शिट यार, फोन 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 भी बार है।
फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? कब से फोन कर रही हूँ, उठो। मैं मर चुका हूँ क्या? मेरे साथ ये नाटक मत करो। किसी के साथ आए हो ना यहाँ? रुको, तुम्हारी शक्ल रागिनी से क्यों मिल रही है? क्योंकि रागिनी ही हूँ मैं। थैंक यू सो मच। मत बताओ, मैं अभी देख कर आती हूँ। रुको तो, रुको। देखती हूँ कौन से कमरे में छिपाया उसे। मैंने कहा ना कोई नहीं है। सॉरी एंड थैंक यू। तुम सही कह रही थी, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं संभाल सकता, खुद को भी नहीं। एंड आई एम सॉरी टू, कल से तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था एंड आई थॉट आई लॉस्ट यू। मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे भी तुम्हें थोड़ा स्पेस देना चाहिए। एंड आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर तुम्हारा फोन चेक किया था। इट्स ओके। कुछ खाएं? क्या? पिज्जा?